आज मैं करवाऊंगा आप लोगों का कर्टन यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर। उनके स्टॉक्स वगैरह चलते हैं कि स्टॉक्स का प्राइस क्या है, अप एंड डाउन जो भी है। जब आप पढ़ के थक जाओ तो यहाँ पर आकर ले जाओ। तो इससे बढ़ के कोई कैंपस लाइफ हो सकती है जितनी कर्टन यूनिवर्सिटी की है। यूनिवर्सिटी एक्चुअली पर्थ की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी भी है जो 116 हेक्टेयर की है, तो इट इज वेरी बिग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं करवाऊंगा आप लोगों का कर्टन यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर। मौसम काफ़ी अच्छा था और मेरी क्लास थी 6 बजे, और हमारे साथ है रोहन भाई, ये हमें पूरी यूनिवर्सिटी का करवाएंगे कैंपस टूर। तो लेट्स गो। ये है कर्टन यूनिवर्सिटी का सारा मैप, कैंपस मैप है सारा। और ये मेरी बैक साइड पे एक नई बिल्डिंग बन रही है, ये शायद इनका लॉन्ज एरिया होगा। और यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन वगैरह स्क्रीन्स पर चल रही है, लाइक जो भी यहाँ पर कोई इवेंट वगैरह या कुछ भी हो रहा है तो सारा यहाँ पर चल रहा है। बाकी सही गाइड हमें ये करेंगे। ये क्या चीज़ है? ये अपने बताते रहते हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आती है। आगे उनके स्टॉक्स वगैरह चलते हैं कि स्टॉक्स का प्राइस क्या है, अप एंड डाउन जो भी है, क्या बैठे हो देखते रहो। तो वो सामने है स्टॉक की प्राइस वगैरह सारी, वो जो हर टाइम यहाँ पर रेट्स वगैरह उनके आ रहे होते हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं स्टॉक्स में, इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ से वो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे पीछे है बिल्डिंग नंबर 108, ये सोशल वर्क वगैरह की बिल्डिंग है, यहाँ के सोशल वर्क वगैरह की क्लासेस होती हैं। ये है कर्टन कनेक्ट, जो लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। आपका कोई भी इशू होता है, स्टूडेंट क्यूरी कोई भी है, तो यहाँ पर आपकी सॉल्व होती है। ये फाउंटेन है और उसके साथ वो है लाइब्रेरी, जिसका भी लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने किसी ने भी पढ़ना वगैरह है तो यहाँ पर आके 24/7 ओपन होती है, आप पढ़ सकते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं रोहन भाई? ये है मेंटोर हब, यहाँ पे ये कभी कभार स्टॉल लगा देते हैं, कॉफ़ी देनी होती है, डोनट्स देने होते हैं, गिव अवे कर लेते हैं। यहाँ पे अभी 4 हफ्तों तक ये इंट्रोडक्शन का वो चलाते हैं, सेमिनार्स टाइप, कि आप नए लोग हो तो आओ एंड यू मीट न्यू पीपल। सारी कर्टन लाइब्रेरी, और नीचे कैफ़े भी है, वहाँ पर आप खाना शाना खा सकते हो और साथ आप पढ़ सकते हो। पिन ड्रॉप साइलेंस है, इस वजह से इतना क्लिप काफ़ी है यहाँ पर। ओके, ये है कर्टन अंडरग्राउंड एरिया, यहाँ पर बंदा आके अंडरग्राउंड हो जाता है। हम जैसा जो देसी होता है ना, जिसने नहीं पढ़ना होता, तो यहाँ पर आके अंडरग्राउंड हो जाता है। रोहन भाई बताओ ना थोड़ा सा यार इस बारे में। यहाँ पे हैं बड़े सारे कैफेज एंड बार्स, तो वहाँ पे होता है द टैब, जिना का सबसे फेमस बार है, एंड वहाँ पे जॉर्ज कबाब है जो बड़े अच्छे कबाब बनाता है। यहाँ पे जी मार्ट है, जी मार्ट पे आपको चिप्स टाइप्स की चीज़ें मिल जाती हैं, एंड कर्टन मर्चेंडाइज मिलता है, जैसे हुडीज़ हो गई, कैप्स हो गई, ये सब भी मिल जाता है। बाकी पूरा एरिया कॉमन एरिया है, यहाँ पे बैठ के खाओ। यहाँ पे बार भी है, सो बेसिकली यहाँ पे बार है जहाँ पर आप दारू शारू पी सकते हो। मतलब हम एज अ मुस्लिम तो नहीं पीते, बाकी जितने भी कंट्रीज के लोग हैं वो पीते हैं। और ये जी मार्ट है, यहाँ पर आपको खाने वगैरह की जो है कुकीज़ वगैरह मिल जाएंगी। उसके बाद जो आपको बस डिस्काउंट कार्ड है वो भी यहीं से मिलेगा, जी मार्ट से। ये है बार वगैरह, अंदर मैंने क्लिप इसलिए नहीं लिया क्योंकि लोग बैठे हुए थे। और ये है इनका डीजे सिस्टम वगैरह, यहाँ जब भी कोई इवेंट वगैरह होता तो यहाँ पर जो है डीजे वगैरह होता है, सारा म्यूज़िक वगैरह सिस्टम यहाँ पे अरेंज वगैरह होता है। और ये है एक और कैफेटेरिया एरिया, मौसम कुछ एक्स्ट्रा ही प्यारा है माशाल्लाह। तो यहाँ पर भी सेकंड प्लेस है खाने पीने की जगह। ये यहाँ का मेन कैफ़े है जो अभी बंद हो गया, क्योंकि मेरी क्लास थी लेट शाम को, तो अभी हर चीज़ बंद हो गई है। इसके साथ इस साइड पर जाकर वो बार वगैरह आता है, और फिर इस साइड पर पार्क वगैरह है, वो एक लाइब्रेरी है, इस साइड पर एक लाइब्रेरी है। और ये दोबारा कर्टन कनेक्ट आ गया, ये कर्टन कनेक्ट है जहाँ पर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह सॉल्व होगी। और ये गार्डन वगैरह है, ये क्या चीज़ है? कैफे, ये कॉफी वगैरह देता है, अच्छी ब्रेकफास्ट टाइप्स होता है, बर्गर्स होते हैं। ओके,
तो यहाँ पे सबसे जो मतलब चीप कैफे है वो कौन सा है? चीप कैफे ये कैफे चीप नहीं है अच्छा लेकिन टैफ इज़ गुड। टैफ में आपको अफोर्डेबल मिल जाता है क्योंकि स्टूडेंट डिस्काउंट होता है आपका 10% अगर आप गिल्ड के मेंबर हो तो आप कुछ भी लेते हो 10% ऑफ मिलता है तो आपको अच्छा पिज़्ज़ा मिल जाता है $15-16 में। तो ये है लाइब्रेरी की बैक साइड, बिल्डिंग नंबर है 105 और वो है रिसर्च एरिया, सारे वो सारे रिसर्च एरियाज हैं। चिलिंग एरिया जहाँ पर जब आप पढ़ के थक जाओ, जैसे अब मैं व्लॉग बना बना थक गया तो यहाँ पर आके एरिया, तो जब आप पढ़ के थक जाओ तो यहाँ पर आके ले जाओ। वो मेरी बैक साइड पर है स्कूल ऑफ माइन, स्कूल ऑफ माइन फिजिक्स डिपार्टमेंट, और इस साइड पर जाकर आता है बस स्टॉप। ये है साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और वो है इंजीनियरिंग पवेलियन, मतलब आपके जितने भी इंजीनियर हैं उनकी सबकी क्लासेस वगैरह यहाँ पर होंगी डिपार्टमेंट्स की। और ये एक और कैफेटेरिया यहाँ पर, ये है एक आर्ट डिपार्टमेंट, ये है इनोवेशन डिपार्टमेंट और ये है चिलिंग एरिया। बताओ थोड़ा सा इस बारे में। यहाँ पे आप बैठ सकते हो आराम से, जैसे कोई कैफे वगैरह है। अच्छा जी, वगैरह ले लिए सैंडविच ले लिए। ये बैठने की जगह है? हाँ बैठने की जगह है, बैठने इससे ही पता चला है मुझे अभी अभी। चीयर्स है ना। नाइस पेंटिंग। ये है साइकिल पार्किंग की जगह और वो भाई की साइकिल ख़राब हो गई है और वो रिपेयर कर रहे हैं। साइकिल शॉप है और ये साइकिल शॉप है, मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी में घूमना चाहते हो तो यहाँ से साइकिल ले सकते हो आप। स्टेडियम कर्टन स्टेडियम, ये सामने है मल्टीपर्पज़ कोर्ट, यहाँ पर टेनिस फुटबॉल हर चीज़ वगैरह खेल सकते हैं आप। और उस साइड पे सामने जो है वो कर्टन कॉलेज है और इस साइड पे है आपका वो सेमिनार वगैरह के लिए हॉल है और ये साथ है इंडोर स्विमिंग पूल और जिम वगैरह है इसके अंदर, और वो है रग्बी कोर्ट और फुटबॉल कोर्ट वगैरह सारा कुछ मिक्स है। वहाँ पर जितने भी है टूर्नामेंट्स वगैरह वहाँ पर होते हैं फुटबॉल वगैरह के। अभी शायद इनका कोई स्टार्ट हो रहा है इवेंट, फुटबॉल वगैरह का कोई इवेंट स्टार्ट हो रहा है तो वो यहीं पर होगा यूनिवर्सिटी का। बाकी मौसम आज माशाल्लाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह। शाम का टाइम है तो मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जो है ना वो क्लोज हो गए हैं, तो लेट्स सी अब जा रहे हैं कर्टन स्टेडियम के अंदर तो देखते हैं अभी एक्सेस मिलता है या नहीं, उसके बाद आपको अंदर जाए बास्केटबॉल कोर्ट दिखाते हैं और साथ जिम दिखाते हैं। ये है फुटबॉल मिनी फुटबॉल ग्राउंड और लेट्स गो। ये है यहाँ के आपके सामान वगैरह रखने के लिए, ये अंदर शावर एरिया है और ये वैसे एक डेकोरेशन पीस, इसके साथ बैक साइड पे वो ग्राउंड है, इस साइड से एक्सेस ऑफ थी इस वजह से हम इंडोर से आए थे और ये साथ जिम एरिया है। ये है बीच वॉलीबॉल और ये हॉस्टल वगैरह है और ये है बस स्टॉप। तो एक बस स्टॉप ये है और दूसरा बस स्टॉप जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको वो है, वो मेन बस स्टॉप है जो मेन रोड पे लगता है और ये इंडोर है, ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अंदर वाली साइड पर आ रहा है बस स्टॉप। ये है कटन यूनिवर्सिटी का IGS स्टोर जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, मतलब जो भी आपको ग्रोसरी वगैरह लेनी है यूनिवर्सिटी के अंदर से भी ले सकते हो। ये स्टूडेंट्स और आउटसाइडर्स सबके लिए अलाउ है, यहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो
और ऊबर ईट्स के भी यहाँ पर ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं। ये है कर्टन यूनिवर्सिटी की सबसे जो प्यारी स्ट्रीट है ना वो ये वाली है। क्योंकि इससे एक साइड पे तो बिल्डिंग स्ट्रीट वगैरह बिल्डिंग से बड़ा ज़बरदस्त व्यू है और दूसरी साइड पे ये वाला व्यू बड़ा ज़बरदस्त आता है। ये है मेडिकल स्कूल और ये है कर्टन कॉलेज 420 बिल्डिंग। तो जिन्होंने कॉलेज वगैरह में एडमिशन होता है तो वो यहाँ पे उनकी क्लासेस वगैरह होती हैं कर्टन कॉलेज के अंदर। तो और इस साइड पर हमारी जाके गाड़ी खड़ी हुई है जहाँ पर हमने पार्क की थी और इसकी आज तक नहीं मुझे समझ आई कि ये चीज़ क्या है। कोई कहते हैं वाटर टैंक है और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कर्टन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की टॉप 1% यूनिवर्सिटीज़ में आती है रिसर्च के मामले में। स्टडी वाइज इसका कोई लेवल नहीं है और ये कैंपस लाइफ अगर आपने इंजॉय करनी है किसी यूनिवर्सिटी की तो कर्टन यूनिवर्सिटी की आई डोंट थिंक सो इससे बढ़कर कोई कैंपस लाइफ हो सकती है जितनी कर्टन यूनिवर्सिटी की है। क्योंकि आपको यहाँ पर हर रोज़ एक इवेंट मिलता है, उसके बाद आपको बहुत सारे जो है ना चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलती हैं, ऊपर से एक दूसरे के साथ डिफरेंट कनेक्शन बॉन्ड्स बनते हैं आपके और ये खुद बनवाते हैं आपको, क्लास में एक दूसरे से आपके ना ग्रुप चेंज करवाते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक कैंपस लाइफ है। बाकी ये रोहन बताएगा, रोहन बताओ आप। कर्टन यूनिवर्सिटी एक्चुअली पर्थ की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी भी है जो 116 हेक्टेयर की है, तो इट इज़ वेरी बिग। हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं 15 मिनट वॉक करने में लग जाते हैं। ये जितना भी कैंपस टूर था ना ये व्लॉग बनाते बनाते मेरी टांगे गई हैं थक। तो बाकी कर्टन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड आपने कैसे अप्लाई करना है, बस कार्ड कैसे अप्लाई करना है और बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। आज की वीडियो में जस्ट मैं कर्टन यूनिवर्सिटी का टूर दे रहा हूँ, तो आप वो वीडियो देख लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।